हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होना है, इसके लिए पूरी कर ली गई हैं तैयारियां। शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक संपन्न हो जाएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में कुल 55,92,000 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने पर होगा। हिमाचल चुनाव के लिए आयोग ने 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 646 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं, 7,235 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसमें आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा रहेगा। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनाव के संबंध में चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन और प्रचार प्रसार करने पर रोक लगी रहेगी। मैं बीएलओ स्थानोटा 24 है। हमारे पास पोलिंग स्टेशन पर हमारी पार्टी पहुंच चुकी है, जो कि यहाँ 2:30 बजे के आसपास पहुंच चुकी है। और ये जैसे ही ये पहुंची, इनके स्वागत के लिए हमारे जो भी कर्मचारी थे यहाँ, जैसे हमारे कुक हो गए, पीएन हो गए, ये मौजूद थे और इनकी व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं रही। इनके सोने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम कर दिया गया है। हमारे जो गांव के लोकल भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पास जो पोलिंग पार्टी पहुँच चुकी है, हमें इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर रहने की व्यवस्था अच्छी है और हमारी सिक्योरिटी के लिए भी, सबके लिए, और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पर समय पर हमें बीएलओ साहब मिल गए थे और उन्होंने पूरी तैयारियाँ यहाँ करके रखी हुई थी। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं।